तो मेरा क्वेश्चन ये रह, ये है कि आई एम नाइनटीन नाइनटी बॉर्न एंड मैंने वो एक्सट्रेस नहीं uh, देखा है जो मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि इन पंडित बरादरी जो हमारे नेबर्स थे उनके साथ हुआ एंड एक चीज़ जिससे मैं बहुत मायूस हो गया क्योंकि आई हैव बीन स्टडींग इन मैन लैंड इंडिया फ्रॉम लास्ट फाइव ईयर्स सिनेमाज़ में मैंने देखा कि कश्मीरी औरतों के साथ अब हम ये करेंगे कश्मीरी सिस्टर्स के साथ अब हम ये करेंगे वी शुड प्रेफर

ओनली इंडिया लैंड कहां से आ गया ये yes, yes. ये तो टेररिस्ट लोग ऐसी बातें करते हैं तुम मत करो। इंडिया भारत बताया वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजी की हमारे ऊपर कितनी हम कितने प्रभावशाली हैं कि हमने उसको अडाप्ट कर लिया है और हम अपनी हमारी अपनी जड़ों को भूल चुके हैं तो आपके हिसाब से आपकी क्या एडवाइस रहेगी हमारे जैसी जनरेशन को कि हम अपने जड़ों को ना भूलें एक कहते हैं ना प्रभावशाली लीडर बने और हमारे अपने भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं कि आज तक किसी ने ना किया हो देखो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ प्रॉब्लम यह है कि अगर कश्मीर में जब कुछ हो रहा था तो बंगाल में केरला में महाराष्ट्र में किसी को उससे मतलब नहीं था अभी केरला में कुछ होता है तो आपको कोई मतलब नहीं है आप जहाँ बैठे हैं पंजाब में आपको पता है कि कश्मीर से भी ज़्यादा पंजाब ने कितना दर्द सहा यू कांट इवन इमेजिन पार्टीशन से लेके पूरा का पूरा एटीज़ पूरा 90s, 20 साल टेररिज्म चला यहाँ पे, कितने लोग मरे उसमें क्या सिर्फ हिंदू मरे नहीं सिख भी मरे पुलिस वाले भी मरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मरे जर्नलिस्ट लोग भी मरे हर कोई मरा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी मरी उसमें कौन बचा है उसमें जनरल वैद्या भी मरे उसमें इतना खून खराबा के बाद हम लोगों को ये तो समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों को जीरो टॉलरेंस टू वायलेंस का प्रण लेना चाहिए जीरो टॉलरेंस सबसे पहले फिजिकल वायलेंस किसी भी कीमत पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सी पार्टी है क्या है कौन है जीरो टॉलरेंस टू टौ वायलेंस जब पूरी कंट्री यूनाइट होकर बोले जीरो टॉलरेंस टू टौ वायलेंस तो आप देखिए आपके 90 परसेंट प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारा सारी प्रोडक्टिविटी और एफिशियंसी इसलिए सफर करती है कि हम हर समय कॉन्फ्लिक्ट में ही उलझे रहते हैं तो टेक अ प्लेज नो वायलेंस एंड देन यू विल सी दैट लाइफ विल चेंज अह नमस्कार सर uh, सर मेरा नाम अभय सिंह राजपूत है और मैं मीडिया प्रथम वर्ष का छात्र हूं तो सर uh, आज प्रश्न से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने कश्मीर फाइल्स बना करके एकदम पूरे भारतीय uh, सिनेमा जगत में एक जो नई दिशा और दिशा फैलाई उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं और उसके बाद जिस प्रकार से आप बात कुछ समय पहले आपने कहा कि आप दिल्ली फाइल्स भी बनाए थे आपने ताशकंद फाइल बनाई है कश्मीर फाइल्स बनाई है और अब आप दिल्ली फाइल्स बनाए तो क्या आने वाले समय में हमें गुजरात फाइल्स भी देखने को मिलेगी और इसके साथ, इसके साथ 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 आ, मैंने पिक्चर देखी थी उसमें एक बड़ा ही डायलॉग अच्छा है पंकज त्रिपाठी जी का सेकुलरिज्म पे तो आपके विचारों से सेकुलरिज्म असल मायने में क्या है ओके okay, तो सबसे पहले तो आ, सारी फाइलें बनाने का ठेका मैंने नहीं लिया है आप भी बना सकते हैं दो साल बाद अभी फर्स्ट ईयर में हो ना तो दो साल बाद ग्रेजुएट हो जाओगे तुम भी बना लेना और जहां तक गुजरात फाइल्स की बात है गुजरात फाइल कई लोग बना चुके हैं इंडिया में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ फीचर फिल्म्स, परजानिया ये बहुत सारी बन चुकी हैं आर्ट तो मैं जानता हूं आर्ट के नाम तो मैं जानता हूं तो वो बन चुकी हैं उसके बाद लेकिन हो सकता है कि डेली फाइल्स शायद उसको भी एड्रेस करे मुझे पता नहीं अभी लेकिन हो सकता है लेकिन अगर फिर वो एड्रेस होगा तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें एड्रेस होंगी तो इसलिए कुछ चीज़ों को डेलिकेट चीज़ों को सोच समझ के ही बात करनी चाहिए एक बात और जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है सेकुलरिज्म अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए जितने भी फेथ हैं दुनिया के या जो कुछ भी है उसको एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सबको बराबर तराजू पर रखा जाना चाहिए इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि सेकुलरिज्म बड़ी सिलेक्टिव है हंड्रेड परसेंट सेलेक्टिव है जिसको सूट करती है अपने हिसाब से सेकुलरिज्म वर्ड को यूज़ कर लेता है सेकुलरिज्म का मतलब लोग जनरली इस तरह से यूज करते हैं कि आ, मेरी बात सुनो बाकी सब गलत हैं तो मेरी लड़ाई उससे हमेशा रही है बहुत लोग मेरे समझते नहीं है मैं सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं हूं लेकिन जिस तरह से उसको इंडियन पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है मैं उसके अगेंस्ट हूं और सेकुलरिज्म तो हमसे ज़्यादा कोई प्रैक्टिस करता भी नहीं है मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं आपको एग्जाम्पल बताता हूं आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ बहुत लोग मुझे एक्चुअली क्या ना लोग बाहर से देखते हैं जानते नहीं है असली जिंदगी में क्या हो रहा है काश्मीर फाइल्स में वो जो छोटे कृष्णा और जितने वो कैरेक्टर्स जो हिंदू हैं वो सब मुस्लिम लोगों ने प्ले किए हैं और जितने मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू लोगों ने प्ले किए हैं पता हाँ। है आपको स्पेशली बिट्टा कराते हाँ बिट्टा कराटे तो मराठी लड़के ने किया लड़के। है और आपको मैं एक चीज और बताता हूँ ये फिल्म जब हमने लिख ली उसके बाद कश्मीर में दे आर बंच ऑफ यंग मुस्लिम बॉयज उससे मैंने बोला तो उसको कई शिकायतें थी वो भी ऐसे ही जैसे गौर बात कर रहा था ऐसे ही इंडिया और कश्मीर को अलग अलग बातें करते थे वो लोग कि तुम्हारे आपके इंडिया में और कश्मीर में और मेन लैंड इंडिया में जैसे कोई अलग कर तो मैंने कहा था तुम्हारी जितनी भी शिकायतें मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम एक पूरा सीन लिख के मुझे भेजो और मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ बिना फुल स्टॉप और कॉमा चेंज किए उसको फिल्म में यूज करूँगा और जो फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट सीन है मेरे हिसाब से जिसके ऊपर पूरी फिल्म खड़ी होती है जब वो शिकारा में जिनने फिल्म किस किसने देखी है ओके okay, आपने जब शिकारा में कृष्णा जब जाता है बिट्टा से मिलने शिकारा में वो अब्दुल के साथ जब जा रहा है शिकारा में तो वो जो बातें होती हैं वो पूरा का पूरा सीन एक कश्मीरी मुस्लिम लड़के ने लिखा है और उसमें जो एक्टिंग की है वो भी वहीं का कश्मीर का मुस्लिम लड़का है और उसने दिल से किया है और वो आज भी मेरे उनसे अच्छे संबंध है सो so, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते हैं जो बताना जरूरी नहीं है सारी दुनिया को लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं यह सेकुलरिज्म जो है यह सेकुलरिज्म हुआ कि नहीं हुआ मतलब मैं आपको भी उतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं लेकिन अब इसको मैं अगर अपने एडवांटेज के लिए यूज करने लगूं वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स के लिए यूज करने लगूं तो वो गलत है इज एन इट आज आज जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं मैं आपको एक आई वॉन्ट टू से ऑनेस्टली क्योंकि स्टूडेंट्स हैं सेक्युलरिज्म के नाम ले लेके लोग इस फिल्म को इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं राइट right? जिसने फिल्म देखी अपनी छाती में हाथ रख के ईमानदारी से बताओ फिल्म में कहीं मुस्लिम या पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बोला गया है तो फिर ये किसके दिमाग में घूम रहा है इस्लामोफोबिया? जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं जहां एम्पीथी नहीं होती वो सबसे ज्यादा एंपीथी की बात करते हैं जैसे अमेरिका जो लोग सेकुलर नहीं होते वो सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म की बात करते हैं अपनी जो अपर लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं अपनी नानियां दादियाँ माओं को देखो वो इतनी सेकुलर होती हैं उनको सिखाने की जरूरत नहीं है अब उनको जाकर तुम सेकुलरिज्म अगर सिखाओगे तो वो तो भारत का डीएनए है सेकुलरिज्म क्योंकि इसी देश में पूरे दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जब लोग परसिक्यूट हुए ईरान इराक टर्की जहां पर तो भाग के इंडिया है हमने ही तो उनको शरण दी है पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में एक भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसको हजार साल माइनॉरिटीज़ ने रूल किया हो थाउजेंड ईयर्स और एक ही माइनॉरिटी ने नहीं पहले इस्लामिक माइनॉरिटी ने उसके बाद क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने किया लेकिन जब हम आजाद हुए तो हमने क्या बोला कि तुम लोग के भी इक्वल राइट्स हैं ये हमारा डीएनए है और उसको उसको बार 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 ये बोलना नहीं ये गलत है गलत वो गलत है ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इंडिया में कभी वर्क ही नहीं करेगा हम लोग टॉलरेंट सोसाइटी नहीं है वेस्ट की तरह हम एक्सेप्टेंस पे बिलीव करते हैं एक बार किसी को माना तो पूरी तरह अपना माना दैट दैट इज इज एंड ट्रू गुड आफ्टरनून सर सर नेम इज सृष्टि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि कश्मीर फाइल्स इतनी ज्यादा चर्चे में है यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी संसद में चर्चा की है तो क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह से इस लेवल पे चर्चे में आएगी

तो जब आप ये मूवी बना रहे थे आपको कहीं ना कहीं आइडिया तो होगा कि लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपने अपने आप को कैसे समझाया कि ठीक है मतलब मैं फिर भी ये बनाने वाला हूँ क्या हुआ कि जब मैंने ये फिल्म मैंने अभी नाम बताया था डॉक्टर सुरेंद्र कॉल तो मुझसे एक बात बोली थी कि अगर विवेक जी आप भी नहीं बनाएंगे तो फिर क्या वी हैव नो होप फिर कोई फिर तो कोई और बनाएगा भी नहीं एंड देट एट एक्चुअली हर्ट मी अलॉट कि ऐसा कैसे तो हमने जब किया था वी साइंड अप फॉर दिस हमें पता था और इस फिल्म को करते करते बहुत सारी चीजें हुई फतवे भी इशू हुए तमाम थ्रेट्स डेथ थ्रेट्स ये वो गाली गलौज सब कुछ हुआ है इसमें बट वी हेट साइंड फॉर दिस जब हमने शुरू की थी हमें पता था ऐसा कुछ होगा तो मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि ऐसा हुआ तो लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बनानी है तो यू हैव टू फेस ऑल दैट हेलो सर दिस इज सोनी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज एंड क्वेश्चन इज फॉर द बोथ ऑफ यू मेरा क्वेश्चन ये है सर दिस इज अ कैंपस विद वेरी डाइवर्स डेमोग्राफी यू नो पीपल एंड स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री सो आपकी मूवी के बाद इट हैज इन्फ्लेम्ड अ लॉट ऑफ डिबेट्स इन हियर इवन आई हैव गॉटन इन टू माय कश्मीरी फ्रेंड्स या कश्मीरी मुस्लिम फ्रेंड्स हियर एंड सम हाउ दे थिंक दैट योर फिल्म इज अ थ्रेट टू सेक्युलरिज्म व्हाट वुड यू से ऑन दैट सी फिल्म की बात बाद में करते हैं पहले टेररिज्म की बात करते हैं टेररिज्म किस चीज को थ्रेट है पहले ये डिसाइड करते हैं राइट right, तो पहले उसको खत्म करते हैं सेकुलरिज्म वगैरह तो आइडियोलॉजिकल रियल कॉन्सेप्ट्स नहीं है सेकुलरिज्म में आप बिलीव करें या ना करें उससे कोई मरता नहीं है किसी की प्रॉपर्टी नहीं खराब होती है लेकिन टेररिज्म से तो एक्चुअली लोग मरते हैं सोसाइटी खराब होती है तो पहले हम उसकी बात करते हैं तो अगर टेररिज्म गलत है तो पहले वी शुड एड्रेस दैट ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हम टेररिज्म जो फिल्म में दिखाया उसकी बात ही नहीं करें और कहें सेकुलरिज्म खराब कैसे सेकुलरिज्म खराब हो रहा है आप मुझे बताइए एक एक स्टेट है जहां पे डाइवर्स लोग रहते थे बुद्धिस्ट लोग भी रहते थे क्रिश्चियंस भी रहते थे दलित भी रहते थे गुजर भी रहते थे सीख्स इतने सारे सीख्स रहते भी भी थे हिंदू भी रहते थे और मुस्लिम भी रहते थे आज वहां पे कोई नहीं रहता ऐसे मुस्लिम्स या नंबर्स में सौ दो सौ हजार होंगे बट जनरली स्पीकिंग बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गया है अब सिख लोगों को भी मार डाला गुजर लोगों को भी मार डाला मुस्लिम्स को भी मार डाला कितने मुस्लिम्स मर गए उसमें क्रिश्चियंस को भी मार डाला दलितों को भी मार डाला औरतों को भी मार डाला बच्चों को भी मार डाला तो वो हाँ आपको सेकुलरिज्म मरता हुआ नहीं नजर आ रहा है उसको तो आप डिफेंड करना चाहते हो लेकिन फिल्म बन गई उसके ऊपर तो आप कहते हो सैकुलिज्म खराब हो रहा है हेलो सर मेरा नाम अक्षित है पहले तो मैं आपको पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कश्मीर फाइल्स के लिए और मैं इस जो मूवी से इतना प्रभावित हुआ मैंने पांच बार जाके थिएटर में मूवी देखी wow. okay. और मेरा क्वेश्चन यह है जो सबसे मेन प्रॉब्लम है इंडिया में वो है अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड क्योंकि जो हमने बुक्स में पढ़ा है वह सारी हमने गलत हिस्ट्री पढ़ी है ज़्यादातर तो जो मीडिया है मैं सॉरी जो मूवी है मूवी उस चीज़ को सही करके दिखा सकती है क्योंकि अगर जो हम इस चीज़ का प्रचार करने चले गए तो पांच से साल ज़्यादा साल भी लग सकते हैं बट एक जो मूवी है मूवी ने आपकी जो मूवी थी इसने इतनी जल्दी सारी हिस्ट्री दिखाई सही करके तो मेरा आपसे मतलब कि निवेदन है कि क्या आप जितनी भी हमारी हिस्ट्री गलत कर तरीके से दिखाई गई है क्या उसको आप मूवी में सही तरीके दिखाओगे अरे मैं, नहीं <laughs> मैं, मैं, मैं जिम्मा नहीं लेना चाहता हिस्ट्री But, का। वैसे विवेक डेली फाइल्स है किसके बारे में बताना तो पड़ेगा hmm. थोड़ा सा एग्जैक्टली exactly, थोड़ा सा तो <laughs> सर एम फ्राम कश्मीर माई नेम इज़ मेहक बडे फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी वॉज वंडरफुल दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब किसी को घर से निकालते निकाला जाता है तो उनके बीच में एंगर होता है एग्रेशन होता है बट मेरा एक ही गिला है ये मूवी बहुत वंडरफुल थी लेकिन जो कश्मीरी पंडित के साथ हो गया वो बहुत गलत हो गया लेकिन उस टाइम पर कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ भी बहुत गलत हो गया अगर वो भी दिखाया जाता दैन दिस दिस मूवी विल बी अ वरफुल मूवी एंड uh, मेरा दूसरा ये चीज़ है कि यहाँ पे बैठ के आई एम लिटरली शिवरिंग इस चीज़ के लिए आप दोषी किस को ठहराते हो सर इज इट कश्मीरी कश्मीर माई नेम इज़ तयबा इट वॉज अ वेरी वंडरफुल मूवी बट देर इज समथिंग आई थिंक दैट मिसिंग इन द मूवी दो इट वॉज़ वेरी वंडरफुल वट वॉज मिसिंग इज दैट We were always sympathetic towards them. They were terrorists, but they were Muslims. We have still our Pandit friends, neighbors. I believe we, as neighbors, failed to protect them, but we never wanted them to leave. And I think nowhere in the movie it has been shown that we never wanted them to leave. And it's my request to you that you were talking about your book. You were uh, you're about to write a book on it. Please add it that we want them back and we never wanted them to leave. It's a very important question, and bad job at Ajahnbiyo. It's a very important, uh, and I want to give it. Uh, uh, what the respect and dignity deserves the answer i am thankful to you that you believed that i am a responsible person and you want to believe that i am that person who's chosen to tell these stories thank you for that but no please don't clap listen there's nothing to clap about it stop this there's nothing to clap about this आप सब सुनिए आपको समझ में आएगा इफ यू आर से समथिंग इज मिसिंग इन दिस फिल्म यस इट इज मिसिंग बट इट्स नॉट दैट दिस स्टोरी इज नॉट बीन टोल्ड देर है बिफोर दिस एंड ह्यूज बिग फिल्म हंड्रेड हंड्रेड करोड़ रुपये फिल्म रोजा फिजा फना मिशन कश्मीर हैदर देवर ऑल मेड during that period exactly in 90s those films were set in 90s they did not even mention the genocide or exodus or whatever term you want to call it they did not even acknowledge it did you feel exactly the way you are feeling now did you feel bad that they missed out on something? Did you ask Vishal Bharat Duaj or will you write a letter to him, ask him something is missing? I'm just asking you. We <laughs> feel right. so, so so what I'm saying is You perhaps you did not even notice that before me telling you this. Am I right? Because... Because no eight great films, big films, celebrated films, which I know in Kashmir everybody loves those films. They justified terrorism. And because of that terrorism, see, it's very important for you to understand. I love you. Because of that terrorism, your families, your uncles, your aunts, your cousins have been killed and suffered. Today, Kashmir is poor. There is no diversity in Kashmir. And don't you feel so sad that Kashmir files can't be seen in Kashmir because there is no cinema hall in Kashmir? Right? So, terrorism, you have suffered more than anybody else. But those films justified terrorism. And they justified terrorism without even knowing anything about terrorists. It's not that, like me, they went and interviewed even seven, seven terrorists. They did not go and live with terrorists and understood what's their psyche. And they created a fake narrative that people pick up guns because they're oppressed. Osama bin Laden wasn't oppressed, he was a prince. Hafiz Saeed wasn't uh, 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 oppressed. Burhan Wani wasn't oppressed. Afzal Guru wasn't of, uh, oppressed. Terrorists are never, in the history of terrorism, not even one terrorist was ever oppressed. I have bio, uh, biographies of all of them. You, what you are saying is right. But my film at least says in the end that not only Hindus, even Muslims, Buddhists, Christian six everybody was killed in this. Did I say that or not? Honestly, I did. All the seven eight films which I named, did they even say a word like that? That Hindus were also killed. Ro. So first you raise your voice about that lie, and then you come and tell me what is missing out. I have made this film for you so that you understand the face of terrorism and why do you have to understand terrorism only by showing a muslim killing don't you have empathy for hindus why don't you stand up against terrorism in kashmir why don't you go back and make videos and send back and say terrorism is wrong and why when you won't do that trust listen to me and i'm saying it i have never ever spoken on public stage like this i'm saying it because my heart is full of love for you यू डोंट नो हाउ मेनी कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड यंग बॉयज एंड राइटर्स एंड सिंगर्स वी आर वर्किंग विद हम देखेंगे गॉन्ग सॉन्ग्स विच शी वॉज सिंगिंग डेलीबेटली वी हैव यूज सिंगर फ्रॉम कश्मीर मुस्लिम या नो 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 दैट अ लिरिसिस्ट, राइट डू यू अंडरस्टैंड दैट लिसन टू मी इफ यू against टेररिज्म द वर्ल्ड विल कीप एसोसिएटिंग terrorism with Islam, and which is wrong. because muslims are not terrorists they are good people very god-fearing people very kind people i work with them all the times half of my family is married into muslims some of my best closest childhood friends are muslims i love them but it is your responsibility now to stand up and tell the world i am a muslim i do not support terrorism go and write this on social media tonight